हाँ जी बेटा, मैं आपको अब द्वंद्व समास करवा रही हूँ। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं, जोड़ते समय और एवं तथा का लोप हो जाता है। जैसे ये दोनों शब्द हैं प्रधान, दिन और रात, बीच में इसके लगा हुआ है और, ठीक है। तो जब इनको जोड़ा है तो बीच में से और हट गया है और दिन और रात में हाइफन आ गया। उसी प्रकार पाप और पुण्य, तो इसमें भी और लगा हुआ है, लेकिन जब इनको जोड़ा है तब इसमें हाइफन आ गया है, तो पाप हाइफन पुण्य हो गया। अगला है कर्मधारय समास। इसमें दूसरा शब्द प्रधान होता है, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महापुरुष, महान है पुरुष जो, तो पुरुष जो है वो इसका दूसरा शब्द जो हो गया, ये हमारा हो गया प्रधान शब्द। इसमें भी देखो पुरुष दूसरा है, महा मतलब महान, महान हो गया इसकी विशेषता, ठीक है। ये विशेष्य, ये विशेषता, और जिसकी विशेषता हुई है दूसरा शब्द प्रधान हो गया, क्योंकि पुरुष जो है महान है। इसी प्रकार नील गगन, नील गगन, गगन जो है वो हो गया दूसरा शब्द जो कि प्रधान शब्द है, और इसका बताया है विशेषता, क्या बताई है कि वो नीला है, तो गगन हो गया विशेष्य और ये हो गया विशेषण, यानी कि उसकी विशेषता, उसमें क्या क्वालिटी है, क्या गुण है। उससे अगला है दिगुसमास। जब पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा प्रधान हो वह दिगुसमास कहलाता है। यानी कि जैसे देखो नवरात्रे, नव क्या होता है, नौ, रात्रियां, नौ रातों का समूह। पहला शब्द जो हो गया संख्यावाचक और दूसरा प्रधान हो गया, यानी कि किसके बारे में बता रहे हैं, रात्रि, नव रात्रि। ऐसे ही है चौराहा, चो मतलब कि चार, और राहा रास्ते, चार राहों का समाहार। तो पहला शब्द जो हो गया वो संख्यावाचक हो गया, उसके बाद दूसरा जो प्रधान, किसके बारे में बताते हैं, राहों के बारे में, रास्तों के बारे में, कि चार रास्तों का समाहार है।